क्या करते हो? स्कूल जाते हो? हाँ। मेरा नया नारा सुना है? अरे बाबा, लड़की हूँ लड़की से। हाथ मिलाओ इस बार। कितने बजे शुरू करते हो? 8 बजे से 1 बजे 7 बजे 8 बजे सुबह 4 बजे ही आ जाते कोई कोई तो। हाँ, धूप से पहले। हाँ, धूप से पहले आ जाते। लेकिन 4 बजे तो अंधेरा नहीं होता? वहाँ सब लोग आ जाते रात में, सब लोग आ जाते घर पीते हैं यहाँ पे। समय नहीं लगा देते हैं कभी-कभी रात में तो पीते हैं। ऐसी है, देखिए दिन में धूप लगेगी तो रात में पीते हैं। ले लिया 1 बजे तक करते हो, उसके बाद फिर से करते हो? फिर 4:30 चार कभी नहीं आ जाते शाम को 6 बजे तक। ऐसे सही आई हूँ इधर गठर लगा। 3 बजे तक 5-6 बजे है। कहाँ बैठे उधर? चलो भाई बताओ। मैं भी तो 50 की हूँ, तुम जवान हो। पाँव नहीं रखे ना इसके आप कहाँ बैठोगे? कहाँ है? क्या समस्याएं? कितने बजे काम करती हो? लड़कियों अपनी बेटियों को पढ़ाती है? अच्छा, क्यों चुनाव लड़ोगी? बैठिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पैर बचाए रहना, हंसिया रखी है भाई। इधर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, थोड़ा थोड़ा लोग इधर आ जाइए। इधर आइए तो आपको दिखेंगी ना, आपको देखेंगी। आइए थोड़ा आगे पानी में निकाल रहे चार बजे
जानवर दिन के 4 बजे या 5 तक जरूर काम करे वालन के नींद गैस सिलेंडर आपको दिया था सरकार ने गैस ये महंगे हो गए पैसा कौन भर रहा है तो मैं नहीं सकते दी थी हां अरे सिलेंडर पैसा ने गैस सिलेंडर नहीं मिला हमको नहीं मिला सरकारी मजदूरी के मतलब टाइम जमा के बाहर काम हो जब मजदूरी करते हैं तो कौन मजर में बच्चे तो जी आए की कैसे ऐसे समय के दी आ जा के कागज नहीं नहीं जो बुखार हमारा आदमी बीमार बड़ी अरे मियाँ बीबी मिलकर काम न करते तो कहाँ हो बच्चे लेकिन आप तो घर का काम भी तो करती हो घरों कर बाहरों करती थी दुगना काम करती हो आपको शादी करने वाली लड़की पुरुषों को ज्यादा मिलती है जैसे खेत में जड़ सुनका मिले ये जो बिजली की बिल की समस्या है की बिल आती रहती है आप तुम चाहो आपका तो ये है कि उसमें ये है कि अगर हमारी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो जो छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन और ई स्कूटी मिलेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और मैं कुछ लड़कियों से बात कर रही थी वो मुझे बता रही थी कि सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी है उनके लिए तो हमने तय किया है कि 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन मिलेगा और जो स्नातक पास हैं उनके उनको ई स्कूटी मिलेगी अगर हमारी सरकार आए तो खुश हो क्योंकि हम लोग ना हम 40% महिलाओं को टिकट देना चाहते हैं पता है क्यों क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं इधर पास में उन्नाव है उन्नाव गई आप लोगों ने सबने सुना होगा कि वहाँ क्या हुआ उस दो लड़कियों के साथ हुआ उनका बलात्कार किया गया फिर उनके परिवारों पे भी बहुत अत्याचार किए गए किसने किए किसने किए भाजपा के वहाँ पे एक विधायक थे उनके एक विधायक था और दूसरी जो उन्नाव की लड़की थी वहाँ भाजपा का जो प्रधान था उसके लड़के ने किया ठीक है तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ये हमें पता फिर ये किसानों का हुआ लखीमपुर खेरी में ये किसने किया
ये इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला ली किसानों के ऊपर, छह लोगों को मार डाला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और आजकल राजनीति जो है सब जातिवाद पे इन्होंने आधारित कर दी है, धर्म पे आधारित कर दी है। लेकिन राजनीति क्या होती है? राजनीति का मतलब है विकास लाना, मदद करना। अब आपको फसल का दाम नहीं मिल रहा, आप महंगाई से मारे जा रहे हैं, कुछ खरीद नहीं पा रहे, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। राजनीति का मतलब ये होना चाहिए। ये जो सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे जो हम बैठे हैं, इन सवालों का समाधान करना, इन समस्याओं का समाधान करना, ये होती है राजनीति के का मकसद। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता में हो तो आप किसी को कुचल डालो, मार डालो, कुछ भी कर डालो। तो मेरा मानना है कि हम महिलाएं जो हैं कुछ ज्यादा समझदार, तो मेरा मानना है कि हम लोगों को राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप राजनीति में नहीं आओगे तो महिला के लिए कौन खड़ा होगा? पुरुष तो कर नहीं रहे, तो खुद महिला अपने लिए लड़े, वो राजनीति में आएगी, उसे सत्ता मिलेगी, तो वो वैसे भी महिला के और करुणा और होती है, करुणा भाव होता है, सेवा भाव होता है, महिलाएं दूसरों को साथ लेना जानती हैं, हर परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ती हैं, तो अपनी बहनों की मदद करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं चुनाव लड़ें, और मैं मदद करूँगी। चुनाव लड़ो, इस बार नहीं जीतोगी अगली बार जीत जाओगी, लेकिन कम से कम महिला आगे आए। और मैं लखनऊ में एक मोहल्ले में गई थी, वहाँ बहुत सारी लड़कियों से मिली, सबने खूब पढ़ाई की, लेकिन किसी का रोजगार नहीं मिला। बहुत मुश्किल से उसका ITI कराया, तो ये समस्याएं जो हमें सुलझानी है। हम इसी जाति और धर्म और इन चीजों की राजनीति के दायरे में हम फंसे रहते हैं, तो इससे हम निकल नहीं पाएंगे। आपको नेता से पूछना चाहिए तुम कर क्या रहे हो हमारे, जैसे ये पूछने आई हैं स्मार्टफोन के बारे में पूछ रही हैं कि क्या कर रही हो भाई, हमें समझाओ। तो नेता समझाए, उसकी जिम्मेदारी है, उसको काम करना है आपके लिए। ये तो उल्टा ही हो रहा है, वो एक सिलेंडर देके कहता कि लो एक सिलेंडर लो, खुश हो जाओ, क्या मतलब है? हम तो 3 सिलेंडर दे देंगे, लेकिन लोगों को एक सिलेंडर पकड़ाने से नहीं के लिए ऐसे कुछ पाठशाला विद्यालय बनाए, नौवीं से 12वीं अगर हमारी सरकार आए तो कुछ ऐसे विद्यालय बनाएंगे हम 9वीं से 12वीं तक, जो सिर्फ महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, उसमें पढ़ाई होगी, लेकिन उसमें फिर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हो, आपको नौकरी कैसे मिल सकती है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, ये सब भी। तो हमारा एक अलग ही घोषणा पत्र है महिलाओं के लिए, एक अलग बनाएंगे, वो कुछ दिनों में हम लोग निकालेंगे, उसमें बहुत सारी महिलाओं के लिए हमारे समस्या ये समझो, हमारे भांजी उसके माता पिता कोई नहीं है, उसका ना वहीं से कोई साथी नहीं, यहीं से कोई साथी कहाँ है, क्या पढ़ाई की है उसने? पढ़ाते हैं हम भी। उम्र क्या है उसकी? 17-18 साल। तो ऐसे करो मेरे पास ले आओ ना, हम नंबर संदीप को दे देना, नंबर अभी नंबर है कोई? हम बुला रहे संदीप, नंबर ले लो इनका, आप लखनऊ गांधी के पास मेरा नंबर है, किसी को भेज दो, लखनऊ संगीता के पास मेरा नंबर है। संगीता तुम इनको दे देना, संगीता हम नंबर दे सकते हैं, लड़की भी बोला सकते दीदी, ठीक है। हमारी लड़की तो अपने मन पसंद शादी कर ली, हमने ऑफर में जगह थोड़ी दे दिया है, उसी में रहती, सारा तालाब में बूढ़ गया है, तब कहती कहाँ से दिखाओ प्रूफ, अब प्रूफ इतना बड़ा बच्चा हो गया है, उस वो कहीं रहने की जगह होने चाहिए, तो हमने सरकारी जगह में सबने कब्जा किया था, हमने उसमें कब्जा करा दिया, हम थोड़ा सा गोबर पात रहे थे उसी में हमने कब्जा करा दिया, और लड़का
वो माँ सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो पांचवे आठवे में अच्छा पढ़ रहा है, वो देखो महिला बैठी है। और उसको गांव भी परेशान करता है और उसके बाद में सब कहते शादी नहीं किया, उसने कहा हम शादी भी नहीं करेंगे, बताना है कैसे की है, दो बच्चा तो है बच्चा तो कोई जने कुछ नहीं कहते शादी की है तो बारिश होती है सारा पैसा दूसरे के घर में रह रहे हैं, इसी समय हम पल्ली तान के रह रहे हैं। बीच पर बैठा पानी ना हो ना पानी कहाँ ना रे कितना खिलाओगी गुड़ पानी पिया पी लिया दिया पता है पानी वाला गुड़ भी साथ में दिया गया है। सत्कार हो रहा है और जिस तरह से बातचीत करी वार्ता करी और चेहरों पर मुस्कान किसान महिलाएं भी चेहरों पर मुस्कान आप देख सकते हैं कि किस तरह आनंद और खुशी का होना भी यहाँ मौजूद है और लगातार प्रियंका गांधी भाई हुई है। अपने प्रियंका जी कैसे क्या हुआ यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, मैं समझना चाह रही थी कि समस्याएं क्या है, इनका जीवन कैसा है, क्या करती हैं, क्या समस्याएं हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, कैसे अपनी अपनी बेटियों को बड़ा कैसे कर रही हैं, पढ़ा पा रही हुई है। मेरे भाई ने कहा माइक पीछे करो, माइक पीछे करो, माइक पीछे करो। सब जमे एकदम से माइक भी लेंगी, सत्ता भी लेंगी और फिर आप सब देखो माइक तो आगे कर दो क्या मेरे प्रदेश को बदलेंगे। माइक आप ले लीजिए, अम्मा माइक लगा दीजिए, अम्मा पकड़ो माइक, पकड़ो पकड़ो, हम तो अपना माइक
माइक लगा दी अम्मा जी, माइक दे दो अम्मा, दे दे माइक उठा दो मेरा माइक। प्रियंका जी आपने ऐसा भोजन कभी किया था इससे पहले? ये दोनों उधर, ये सब ऐसा भोजन या इनके साथ भोजन? नहीं, इस तरह का भोजन ये बिल्कुल ले मैन का। अरे बेसन की रोटी है भाई, बेसन की रोटी तो मेरे घर में भी बनती है। माइक मुँह में कहाँ है भैया, मुँह पे कर डाल रहा हूँ। किसने बनाया बोला? प्रियंका जी ये जो महिलाएं मोहब्बत दिखा रही हैं, चुनाव में भी ये मोहब्बत दिखेगी वोट के रूप में? क्यों नहीं दिखेगी? मोहब्बत मोहब्बत होती है, क्वांटिफाई नहीं किया जाता वाला है। भाषण देना है चलो अब मैं चलो, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे थोड़ा पानी बयान का खराब मत करो, यही रुक जाइए भाई। रुक जाओ, आप क्या दिक्कत है, लगा लीजिए आप सब ठीक है, अभी रोक लेंगे भैया के साथ। हमने अपनी पार्टी की तरफ से हम प्रतिज्ञाएं करने जा रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो क्या, तो उसमें किसानों के लिए भी है, बड़ी बड़ी बिजली भी मिलती है उसके लिए भी है, तो जाके सुनिए टीवी पे देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जो गेहूँ का दाम है, जो आपको धान का दाम है, उसके बारे में सब घोषणा करना चाहते हैं, क्योंकि मदद करना चाहते हैं, आपने बहुत पिछले साल बहुत समस्याएं आ गया है।